घंटे में, मात्र 3 घंटे में आप लोग नीचे से यात्रा पूरी कर सकते हैं अपनी 3 घंटे में, और मजा आएगा। जगह जगह बैठने के लिए स्टॉप बने हुए, आप आते बैठते बैठते हैं कि हम लोगों की यात्रा 2 किलोमीटर की कंप्लीट हो चुकी है, और पीछे का व्यू देख लीजिए, अभी हमें 3 किलोमीटर और चढ़ना है, और आराम से चढ़ सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पीछे मैं दिखाता हूँ रोड कैसी है, देखिए बिल्कुल प्लेन है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत है। अभी सुबह के बज रहे हैं 5, हम लोग कल आ गए थे हरिद्वार से बारकोट, और आज हम लोग निकलने वाले हैं यमुनोत्री। सुबह सुबह 4 बजे उठ के हम लोगों ने नहा लिया, बिल्कुल रेडी हो गए, आप देख सकते हैं दोनों लोग। ठंडा मौसम है, मौसम भी बहुत बिल्कुल ठंडा है, पीछे का लोकेशन देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और टेम्परेचर भी ठीक है, इतनी ज़्यादा ठंडी तो नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। और पीछे हमारी गाड़ी रेडी है बिल्कुल से चलने के लिए, तो चलिए फिर पहुँचते हैं गंगोत्री, और उसके बाद आपको जल्दी से दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव, जय केदारनाथ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हम लोग बरकोट से निकल चुके थे, रास्ते का जो भी वीडियो है वो आप देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग आ गए हैं जानकी चट्टी अपने सभी दोस्तों के साथ, छोटे भाइयों के साथ, आप देख सकते हैं, और मौसम भी बिल्कुल सुहाना हो गया। क्यों बिल्कुल अच्छी धूप हो गई है, और मैं आपको सीधे यहाँ से ट्रैकिंग कर रहे हैं। देखो इस जवानी में इन्हें लाठी का सहारा लेना पड़ गया, मतलब अगर आप आएंगे तो आपको लाठी लेना पड़ेगा तभी आप चल पाएंगे। थोड़ा आगे चल के लीजिए, आपको सस्ती मिलेगी, जितने आगे बढ़ते जाएंगे चीजें आपको सस्ती मिलती चली जाएंगी। और जैसे 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 लोग कहेंगे मंदिर के पास महंगा मिलता है, तो हमें तो लगता है और सस्ता मिलता है, क्योंकि यही लाठी पीछे 100 रुपए की मिल रही थी, थोड़ा आगे बढ़े 50 रुपए की, फिर आगे 40 रुपए की। और ये हमारी यात्रा बरकोट से चालू हो रही है, यमुनोत्री में जाके खत्म होगी, और पूरी यात्रा की वीडियो मिलेगी, कहाँ पे कितने का क्या रेट में क्या चीज मिल रहा है, ये भी सारी चीजें बताएंगे। रास्ता तो बहुत सकरा है, बाकी ठीक है। ये आपकी पार्किंग है यमुनोत्री की, इसके बाद यहाँ से कोई साधन नहीं जाता है, आप देख सकते हैं। और गाड़ियों का अंतिम स्टॉपेज सिर्फ यही है, इसके बाद आप नहीं जा सकते, आप देख सकते हैं। बाकी आपको यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, इस पूरे जो खड़ा पहाड़ दिख रहा है ना, हमें इसमें चढ़ना है। देख सकते हैं कि हम लोगों की यात्रा 2 किलोमीटर की कंप्लीट हो चुकी है, और पीछे का व्यू देख लीजिए, अभी हमें 3 किलोमीटर और चढ़ना है, और आराम से चढ़ सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पीछे मैं दिखाता हूँ रोड कैसी है, देखिए बिल्कुल प्लेन ऐसे ही रोड है, कोई सीढ़ी वगैरह नहीं है, आराम से बिल्कुल चढ़ सकते हैं। और ये घोड़े खच्चर वाले हैं, और ये पालकी देखी जा रही है, ये पालकी। चलिए फिर आगे चलते हैं, और एक बार फिर जयकारा लगाते हैं, यमुना मैया की जय। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय। आप देख सकते हैं पैदल मार्ग, और ऐसे ही चलते जाना है। भाई लोग बिल्कुल थक चुके हैं, सुबह के 5 बजे के ये उठे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि भाई ने बहुत कोऑपरेट किया है, 5 बजे से सिर्फ एक चाय पे ये चल रहे हैं, और आपको एक दिखाते हैं, चाय लवर ये बैठी हैं, ये भी एक चाय पे चल रही हैं, और पहाड़ों की मैगी और चाय नहीं पिया तो क्या किया, कुछ नहीं किया। इसी के साथ हम लोग यमुनोत्री धाम में आज चाय पियेंगे, रेट भी बहुत फिक्स है, 20 रुपए की चाय, 40 रुपए की मैगी, बहुत अच्छी चाय है, देख सकते हैं। मैं पहाड़ी भाई हैं अपने, भैया मैगी कितने की है, 50 की मैगी है, और आप देख सकते हैं कितने ऊपर है, और सबसे अच्छा मौसम कितना अच्छा है, देखिए धूप है, और सामने आप देख सकते हैं गंगोत्री धाम, बर्फ से बिल्कुल लिपटा हुआ,
तो चलते हैं फिर आगे की यात्रा आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रसाद 3 कैटेगरी में है। एक बार फिर से बता दीजिए कितने कितने का कौन सा प्रसाद है। 50 का है, 100 का है, 150 का है। हाँ, ये 50 का है, आगे 100 का है, ये 150 का, और ये चुनरी सहित 200 का प्रसाद है। ये है माँ यमुनोत्री के प्रसाद। क्या रेट में प्रसाद मिलता है ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं फाइनली हम लोग आ गए हैं यमुनोत्री, और आपको दिखाना चाहते हैं जस्ट हमारे पीछे क्या है। यमुनोत्री धाम है हमारे पास जस्ट सामने पीछे, आप देख सकते हैं, और कितनी भीड़ है वो भी आप देख सकते हैं। हम लोगों को यात्रा करते हुए कितना टाइम लगा? 3 घंटे। 3 घंटे में हम लोग करीब 5 किलोमीटर, लिखा हुआ था कि 22 सीढ़ी हम लोग आएंगे, और आए। तो आप एक सोच के मान के चलिए कि अगर आप यमुनोत्री धाम आते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से चलेंगे। 3 घंटे में, मात्र 3 घंटे में हम लोग नीचे से यात्रा पूरी कर सकते हैं अपनी 3 घंटे में, और मज़ा आएगा। जगह जगह बैठने के लिए स्टॉप बने, आप हाथ पे बैठते बैठते आ सकते हैं, और आराम से आप लोग आइए, एंजॉय कीजिए माता के दरबार में, गंगा माता के दरबार में आइए और मजे की। और पीछे हमारे ये यमुना नदी बह रही है, पीछे आपको दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए यमुना नदी है, और लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठंडा पानी है, यहीं पे कुंड है जहाँ पे गर्म पानी से भी आप नहा सकते हैं, पूरी आपकी थकान मिट जाएगी अगर आप गर्म पानी से नहा लिए। तो दोस्तों, अगर आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है और कुछ करना है तो आप यमुनोत्री धाम आ सकते हैं और दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जयकारा हो जाए, बोलो यमुना मैया की जय। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।